नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याएं आपको दिया रहेगा और उसका लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना पड़ेगा। मैं ये भी बताता हूँ कि लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। ठीक है, इसका प्रयोग कई जगह पर होता है, कई सवालों में होता है। बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें इसका प्रयोग इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली आपको नहीं दिया रहेगा कि तीन संख्याएं दिया है या फिर दो संख्याएं दिया है आपको लघुत्तम समापवर्तक। ये छोटी क्लास का सवाल हो गया। इसका प्रयोग करते हुए घुमा के सवाल दिया जाएगा आपके परीक्षाओं में, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपको लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जिनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज़ शेयर करिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को अगर देखेंगे तो मैं और भी इसी तरीके के अच्छे और मैथ के ज़रूरी वीडियो बनाता रहूँगा, बना सकूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो, अगर ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे तो फिर मेरा ये मेहनत करना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चाहिए आइए आपको बताता हूँ कि एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 25 और 30। ठीक है, अब हमको ऐसी कोई संख्या ढूँढनी है, ठीक है, जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, तो इन दोनों से कौन सी संख्या कट सकती है, ये ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो संख्या छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो इन दोनों से कट जाए। एक छोटा सा एग्जांपल इससे पहले मैं लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 और 6 है। ठीक, 2 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं। 6 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगी, तो ये इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 6 से बड़ी भी संख्याएं हैं जो इन दोनों से कट जाएंगी, जैसे कि 12, लेकिन 12 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या नहीं है जो 2 और 6 से कट जाए। 6 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 और 6 से कट जाएगी, तो 6 इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे हल करेंगे इसको। ठीक, आपने गुणनखंड तो निकाला होगा। आइए 25 और 30 का निकाल के मैं दिखाता हूँ। 25 और 30 का, ठीक है, आपने गुणनखंड निकालने का तरीका देखा होगा, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों संख्याओं, अब हम इन छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे लिखते जाएंगे और इनको विभाजित करके यहाँ पे जो भी उत्तर आएगा यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में कोई संख्या नहीं विभाजित होगी तो उसको वैसे ही उतार लेंगे। जैसे कि 2 से शुरुआत करते हैं, 2 से। ठीक, 2 से 25 पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, 25 को ऐसे ही उतार लेंगे। 30 विभाजित हो जाएगा, 15 लिख लेंगे। अगली संख्या 3, 3 से विभाजित 25 नहीं होगा, 15 हो जाएगा, 15 विभाजित हो जाएगा, तो हम 3 5 15 यहाँ पे लिख देंगे। अगली संख्या 5, ठीक है, 5 से हम 25 को विभाजित करेंगे तो 5 आएगा, कट जाएगा इस बार, और 5 भी कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब फिर से हम 5 एक बार प्रयोग करते हैं, 5 से ये कट जाएगा, 1 तो कटेगा नहीं। ठीक, जब तक 1 1 आ जाए तब तक इसको करते रहना है। अब इन संख्याओं का गुणा कर लिए, ठीक है, इन संख्याओं को गुणा करने पे क्या आता है, 2 3 6 5 30, 30 5 150।
ठीक, तो ये 150 जो होगा, 150 जो आया, ठीक है, 150 जो आया वो 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक है। ठीक है, ये हुआ तरीका हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालने का। आइए एक और उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 12 और 18, ठीक है, 12 और 18 का निकाल के देखते हैं। सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं, 2 से, 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 6, 18 को करेंगे तो 9 आएगा, फिर से 2 से करते हैं, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, बस इतना ध्यान देना है कि पूर्णतया जब तक ना कटे तब तक नहीं काटना है, ठीक है। 3, 3 का नाम 3, 3 3 9, एक बार फिर 3 से जाएगा, 1 यहाँ पे आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा तो उसको हम वैसे ही उतार लेंगे, ठीक। अब 1 1 आ गया तो यहीं पे रुक जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 3, ये क्या बराबर होगा, 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 36। तो 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी और यही लघुत्तम समापवर्तक है, ठीक। तो दोस्तों ये हुआ तरीका लघुत्तम समापवर्तक निकालने का, प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ और संख्याओं को लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे बीच में सवाल में जहाँ प्रयोग होगा वहाँ मैं फिर से निकाल के इसको दिखाऊंगा भी कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर कहीं पे नहीं समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ बताइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें तभी मैं ये मैथ के वीडियोस बना पाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मैं पब्लिश करूँगा कुछ और, मैं वीडियोस मैथ के बना रहा हूँ जो मैं कल अपलोड करूँगा इस चैनल पे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियोस आपको मिलते रहें, ठीक। तो कल तक के लिए, कल फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।